మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. देखो दोस्तों, एक इंसान अपने पार्टनर के साथ वफादार होता है वो, और एक रिलेशन में होने के साथ जब वो धोखा देता है तो उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी बातचीत में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में हज़ार तरीक़ों के डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं. आपको ना उनसे झगड़ने की ज़रूरत है, ना उनसे लड़ने की, ना कोई उनसे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है. बस उनको ऑब्जर्व करो, नोटिस करो और कन्फर्म करो कि ही और सी चीट यू. प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है जिससे आप प्यार करते हो वो आपको ही धोखा दे जाते हैं. पर रिलेशनशिप में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपका रिलेशन सही पे जा रहा है लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें ना आपको समझ में नहीं आती. सामने वाले पर्सन की, एक पार्टनर की जो हरकतें होती ना, वो लगता है कि ये क्या हो रहा है यार. ठीक है, आजकल कुछ चीज़ें ना हिली डुली हुई नज़र आती है तो कन्फ्यूज़न होती है. एंड वहाँ पर ना हम गलती क्या करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर रिलेशनशिप में आपको अच्छी चीज़ों से पहले नेगेटिव ख्याल आएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है. शक होता है, ऐसा नहीं कि हर बार हमारा शक गलत होता है, समटाइम शक सही होता है. लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा अगर हमारा शक गलत निकला तो, क्योंकि अगर हमने मान लिया, हमारे हिसाब से हमें लगा कि ये ऐसे कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा, यहाँ पर ये हो रहा, वो हो रहा, एंड वो फाइनली मुझको धोखा ही दे रहा है. अपने में हमने सीईओ को समझ लिया, सीईओ को कन्फर्म नहीं की वाकई में वो धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है. ठीक है, अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल कर लिया एंड हमने उसको ऐसा वैसा बोल दिया. एंड रियल में मान लो कि वो आपको धोखा नहीं दे रहा था, कोई और प्रॉब्लम थी, तो वो फिर आपके बारे में क्या सोचेगा कि यार मैंने इस लड़के को, इस लड़की को इतना प्यार किया है, ठीक है, इसके लिए मेरे दिल में ये है और आज मुझको ये ऐसी वैसी बातें बोल के चला गया. तो उनके मन में आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, आप गिर जाओगे उसकी नज़रों से, इन शॉर्ट में कहूँ तो. तो आपका डाउट है, आपका शक है, वो सच है तो सही है, लेकिन अगर नहीं है तो सबसे पहले वो चीज़ें कन्फर्म करो ना कि रियल में वो धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा. उससे पहले कुछ मत बोलो, अपना मुंह बंद कर लो. वो चीज़ें कन्फर्म करने का क्या तरीका है, शक है तो वो शक को कैसे क्लियर करे कि हाँ भाई सही में वो धोखा दे रहा है या दे रही है. इसके लिए कुछ चीज़ें जहाँ से आप इन बातों को क्लियर कर सकते हो, उनसे आर्ग्यूमेंट किए बिना भी, उनसे कुछ पूछे बिना भी, उनको ऑब्जर्व या उनके पीछे ज़्यादा दिमाग लड़ाए बिना भी. क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ चेंज करता है तो 110% उसकी पर्सनालिटी, उसका जो तरीका होता है लोगों को ट्रीट करने का या उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज 110% आपको देखने को मिलेगी. वो क्या चेंज है, जस्ट आपको वही नोटिस करना है. तो चलिए हम अब बात करते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है. सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है कि वो पर्सन आपको बहुत ही लेट रिप्लाई देगा. मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि वो ऑनलाइन है, कहीं और बात कर रहा है और आपको लेट रिप्लाई देता है, ना. कई बार ऐसा भी होता है कि लोग काम में होते, लोग बिजी होते एंड पर फिर तू परंतु हम जब भी उनसे मैसेज करते अब तक हिस्ट्री ये बताती है कि उसने इतना टाइम नहीं लिया. लेकिन आप देख रहे हो कि 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, उनका मैसेज लेट ही आता है, वो मोबाइल ही लेट ही हाथ में लेते हैं. एक चीज़ आपको पता है कि उसकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी ये अचानक क्या हुआ. तो ये शंका वाली बात है. सिर्फ एक चीज़ को मत पकड़ना, और भी चीज़ें हैं. ये बड़ा 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 फैक्टर है कि छोटी छोटी बातों पर ना आपके ऊपर गुस्सा हो जाता है. जैसे लगता है कि वो युद्ध करने के मूड में है, जैसे लगता है कि यहाँ पे वो लड़ लेना चाहते हैं. आपको इतनी सी छोटी बात पे वो डांटेंगे कि आप शोक हो जाओगे. आपको लगता है कि हो क्या रहा यार, इससे तो मेरी बुरी से बुरी हरकत इतने सहन की है, मेरी ये बात वाली बातें उसको कभी बुरी नहीं लगे. आज ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे नॉर्मल इंसान को गुस्सा ही नहीं करना चाहे, अभी उसमें इस बात पे मुझे डांट दिया, वहाँ पे भी मैंने सॉरी बोल दिया, ऐसा भी हो गया. फिर वो छोटी छोटी बातों पे मतलब खुरेदने लगते हैं, झगड़ा करने के एक मूड में लगते हैं. क्यों ऐसा हो रहा है पता है, क्योंकि उसका मूड नहीं है बात करने का, उसका मूड नहीं है इस रिलेशन को डेवलप करने का. और तुम मेहनत कर रहे हो, वो जाना चाहते हैं मुंबई और तुम पुणे वाले ट्रेन में उसको खींच रहे हो, ठीक है. तो वो सीधा तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि मेरे को पुणे नहीं जाना है तुम्हारे साथ. तो वो क्या करेंगे कि इश्यू क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, फाइट करने की कोशिश करेंगे, आपको थोड़ा सा दूर खसेड़ने की कोशिश करेंगे. तीसरी चीज़ तो आपने ये देखी होगी अगर वो आपको चीट कराए कि वो ऑनलाइन होते हैं और आपको रिप्लाई नहीं करते. इट मीन्स कि जो ये टाइम है, ठीक है,
वो किसी और के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। वो कहेंगे कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, सिर्फ ऑनलाइन हूँ, जस्ट चेक कर रहा हूँ, तो तुमसे क्यों बात नहीं कर रहे। एक चीज़ याद रखो कि अगर कोई आपको ये कहता है कि जस्ट ऐसे अब इंटरेस्ट कम हो गया, इट मीन्स कि कहीं और जगह पे इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। अगर हमारा इंटरेस्ट किसी और पर्सन के ऊपर डेवलप नहीं होता तो इस पर्सन के ऊपर कम नहीं हो जाता। कहीं पे तो वो लगता है, वो ध्यान जैसा है कि हर जगह नहीं लगेगा, एक जगह लगेगा, लेकिन एक जगह लगेगा तो दूसरी जगह से वो निकल जाएगा। तो वो ऑनलाइन है एंड फिर भी आपको लेट रिप्लाई कर रहे हैं, आपसे सामने से बात भी नहीं कर रहे, मतलब है वो आपको चीट कर रहे, मतलब उसका इंटरेस्ट कहीं और पर है, वो कहीं और पर फोकस हो गए। चौथी चीज़, और ये भी एक बहुत बड़ी साइन होती है कि जब आप कहते हो उनको बात करने के लिए, जब आप मिलने के लिए करते हो, जब सारी किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जाहिर सी बात है दूसरे किसी पर्सन में है, तो आपके साथ ना बात करने में, मिलने में, किसी चीज़ में होगा, तो बहाने बताएंगे कि यार बीमार हूँ, मम्मी के साथ बाहर जाना है, कल तो ये है, एग्ज़ाम है, टेंशन में हूँ, मूड नहीं है। तो ऐसे ऐसे आपको बहाने सामने से सुनने को मिल रहे हैं, तो ये एक साइन है कि वो पर्सन है आपके साथ चीज़ें बनाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहीं और बनाना चाहते हैं ऐसी वाली सारी चीज़ें। तो वो आपको क्या कहेंगे, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि यार अब तुम हट जाओ, मैं किसी और जगह पर फोकस हो गया हूँ या होगी, बहाने बताएंगे आपको, ऐसी वाली बातें बताएंगे, जाहिर सी बात है। पांचवी चीज़, और यह भी बहुत बड़ी चीज़ है, जब इंसान आपको धोखा देता है, जब उनका इंटरेस्ट किसी और पर्सन में लगने लगता है, तब आपकी बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छी अच्छी लगती थी, अब आपकी छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत ही बुरी लगती है कि यार तुम तो ऐसे बात करते हो, यार तुम तो ऐसे करते हो, ठीक है तुम मुझको क्या समझ रहे हो, ये तुम्हें लगता है कि यार क्या ये तरीका है मुझे ठीक करने का। जैसे अचानक से तुम बहुत पराये हो जाते हो, अब तक तो तुम्हें उन्होंने ऐसे रखा था कि जैसे कि तुम्हें लग भी रहा था कि इस दुनिया में सबसे सही पर्सन उनकी नज़रों में आप हो, लेकिन अब बहुत बुरे बन जाते हो, आपकी छोटी छोटी बात उनको कूटने लगती है, वो टॉर्चर करते हैं कि तुम यहाँ पर ऐसे थे, वहाँ पर ऐसे थे, गलतियाँ निकालना। एंड छठी चीज़, अब वो आपसे ऐसे बात करते हैं, अब आपके सामने वो ऐसे पेश आते हैं जैसे वो आपके साथ रहकर आपसे बात कर आपके ऊपर एहसान कर रहे, जो पहले उनका इंटरेस्ट था, जो उनको भी एक अच्छा लगता था, वो चीज़ें नहीं रही है। वैसे वो आपको ट्रीट करेंगे जैसे वो आपके ऊपर एहसान करे, जैसे उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ज़रूरत है। अगर आपको अपने पार्टनर में ये सारी चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें दिखाई देती है, तब आपको ये बात कन्फर्म मान लेनी चाहिए कि वो पर्सन जिसके ऊपर आपको डाउट है, शक है, वो आपका शक सही है, वो आपको धोखा दे रहा है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ की देख लो, उसकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई हादसा तो नहीं हुआ ना, कि अपनी घर की मैटर में, पर्सनल चीज़ों में कुछ हुआ है। तभी भी हो सकता है कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और तब भी उनका मन नहीं करता आपके साथ बात करने का, तो बात अलग है। अदरवाइज़ वो आपको कन्फर्म चीट कर रहा है या किसी और के साथ बात कर रहा है या उसका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और वो भी फ्री में। हम मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो भी उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।